गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज बहुत ही खुशी का दिन है। जैसे हमने पिछली वीडियो में भी कह रहा हूँ कि कोच की सोच का नतीजा होता है जब हमारे बच्चे स्टेज के ऊपर परफॉर्म करते हैं। फिल्म बनते हुए कोई नहीं देखता, उस टाइम पाबंदियां होती हैं, कोई भी सीन बाहर नहीं जाना चाहिए। इवन कि जो कास्ट होती है उनको ये बताया जाता है कि फिल्म का नाम भी आप कहीं नहीं बताएंगे, एग्रीमेंट होता है। तो जब हमारी प्रैक्टिस चल रही होती है तो हम किसी को बताते नहीं कि क्या चल रहा है। हर एक चीज इनको प्रैक्टिस में सिखाई जाती है और जब ये परफॉर्म करते हैं तो मेरी कोशिश यही होती है कि हमारे किसी बच्चे की कोई लिफ्ट फेल ना हो। अगर तीनों लिफ्ट अच्छी होंगी तभी हमारा स्कोर अच्छा होगा, और अगर हमारा स्कोर अच्छा होगा तभी ये चैंपियन बन पाएंगे। और आज हमारे बीच हमारे तीन बार के स्ट्रॉन्गमैन ऑफ इंडिया अवार्ड विनर विशाल मलिक, जिन्होंने भी 72 किलो में 150 किलो की बेंच लगाई। शाबाश बेटे, क्या कहना चाहते हो? किसी भी प्लेयर को स्ट्रॉन्गमैन बनने के लिए सबसे पहले सबसे अच्छे कोच की जरूरत पड़ती है। अगर उनका कोच अच्छा नहीं होगा तो कोई भी प्लेयर स्ट्रॉन्गमैन नहीं बन सकता। और मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि मेरे को सर का आशीर्वाद मिला पिछले 12 साल से, और भगवान ने चाहा तो जब तक जान रहेगी मिलता रहेगा, परमानेंट इनके साथ ही रहूंगा जब तक रहेंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि बिना कोच के आशीर्वाद के, बिना परमात्मा के आशीर्वाद के कोई भी प्लेयर गोल्ड मेडल तो क्या ब्रॉन्ज मेडल भी नहीं ले सकता। एक हफ्ता पहले मेरे को इंजरी भी हुई, लेकिन सर का आशीर्वाद था नहीं करेगा, वो पूरी पट्टी भी बंधी हुई थी, डॉक्टर ने भी मना कर दिया था, लेकिन फिर भी सर का आशीर्वाद था कि मैं वहां पर खेला, लिफ्ट लगाई और सारा ऑफिशियल वर्क किया। सारा ऑफिशियल वर्क किया, 2 दिन तक सोए भी नहीं। शनिवार रात को भी हम 11 बजे तक बैठे रहे, 2 बजे से 5 बजे उठे हैं और फिर पूरा दिन लगे रहे। वो भी एक परमात्मा का आशीर्वाद है और सर की मेहर है जो इतनी एनर्जी अंदर से आती है। थैंक यू थैंक यू। आप बहुत गॉड ब्लेस यू।